17 पीढ़ी का, इनके खाने, इनके नाश्ते और इनकी चाय बहुत मशहूर है। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बस बहुत सारे आइटम्स होते हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ नाश्ता होता है सुबह से। इनके जो पराठा है वो बहुत ही स्पेशल होता है, स्पेशल इन्ग्रीडियंट्स से बना हुआ होता है, तो इनके पराठे में काफ़ी रश होती है और इनके पराठे से जो है ना लोग काफ़ी दूर दूर से इनके पास पराठा लेने आते हैं। इनके पास अंडा पराठा भी होता है, सादा पराठा भी होता है, तो इनके पास हलवा पूरी भी मिल जाएगी आपको, हलवा पूरी भी मिल जाएगी आपको इनके पास। तरकारी भी मिल जाएगी आपको, चने की तरकारी, चने की तरकारी भी बहुत मजे की होती है। आप जरूर विजिट कीजिए मदीना रेस्टोरेंट मथुरा में। उनकी चाय जो चाय भी बहुत टेस्टी होती है, उनका दूध छोटी चाय भी होती है, सादी चाय भी होती है। और ये इनका सिटिंग एरिया, यहाँ से सर्व होता है खाना। इनके पास में इनका तंदूर है, यहाँ पे तंदूर वगैरह की रोटी, तंदूरी पराठा और इसके अलावा कुलचे, जो चीज़ आप ऑर्डर करना चाहें यहाँ पे मिलती है। इनका तंदूर है और ये भाई होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो है यहाँ पे रोटियाँ वगैरह लगाते हैं और बनाते हैं, और जो ऑर्डर देना चाहे जिस तरह का ऑर्डर दे वो ये यहाँ पे बनाते हैं। कुछ आटा वाटा भी है,
देख सकते हैं पराठे से कितनी रश लगी है, लोग पराठा लेने के लिए इनके पास आएंगे क्योंकि इनका पराठा बहुत लजीज होता है। ये पराठा जो है बहुत लजीज होता है, एक सोए में काफ़ी पराठे बनते हैं।